हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपका तीसरा एपिसोड है, मैंने दो बना चुका है, ये तीसरा है। आज हम फिजिक्स का ही पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तीसरा दिन आज है। ये कम से कम आपको 6 एपिसोड तक पढ़ना होगा, आपको फिजिक्स 6 एपिसोड तक पढ़ना होगा। लेकिन आज मैं ये फिजिक्स का कुछ पॉइंट्स बता करके फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे आपको बोरिंग भी नहीं होगा कि सर बस फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा, आपको बेहतर देंगे, ठीक है। फिजिक्स का कुछ ये पॉइंट्स पढ़ा देते हैं आपको और भी है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, इमेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज पढ़ेंगे। तो इमेज पढ़ेंगे, इमेज हिंदी क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बोलते नहीं है भाई अपना इमेज दिखाओ, या फिर हम जाकर के आईना के सामने अपना इमेज देखते हैं, कोई बोलता है कि भाई उसकी इमेज क्या है, उसका हिंदी होगा प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है इसको जानेंगे। व्हाट इज इमेज, इमेज होता क्या है, ये जो पॉइंट है आपको इमेज, इसका टाइप्स है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इसके दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, इमेज क्या है इसका सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे, दोनों का इसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर इसका जो पार्ट्स है ये दो टाइप्स है इसको जानेंगे। उसके बाद से समझ में आएगा कि ये इमेज क्या है, कैसे इमेज बनता है, कहाँ पर बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल इसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद से फिगर के साथ इसको टोटल पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, कहने का मतलब है किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से यानी कि सोर्स से आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि मिरर से, मिरर से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यानी कि जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अगर भी मिल जाए या फिर प्रतीत हो, उसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, उसको इमेज कहते हैं। फिलहाल अभी इसका डिफिनेशन जानेंगे, आगे चल करके इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे क्या होगा, ये फिलहाल बस डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इसका फिगर बताएंगे, ये इसको इरेज करके उसके बाद इसका फिगर बनाएंगे, कैसे आ रहा है, कैसे इसका इमेज बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इसको जानेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसके दो टाइप्स है, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, एक है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब, या इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो रियल प्रतिबिंब समझ लीजिए, मतलब इमेज का समझ लीजिए, बस एक वर्ड्स चेंज कर देना वहां पे सेम डिफिनेशन में, बस वास्तव में लगा देना, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब बताइए रियल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बताइए? पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। इसका इमेज कैसे बनता है, इसका इमेज बताइए, सीधा बनता है या फिर उल्टा बनता है? तो क्या बोलेंगे? रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा। यानी कि बस सेम डिफिनेशन था, वास्तव लगा दिया, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका लगभग लगभग सेम ही डिफिनेशन होगा तीनों का, ठीक है, लेकिन समझने में अंतर होगा, समझने में अंतर होगा। फिलहाल आपको क्या इसका डिफिनेशन बताते हैं, वर्चुअल इमेज क्या है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है।
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर क्या होती है, प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं फिगर बनाकर, जब अभी तो फिगर बनाना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिगर बनाकर इसको समझाता हूँ, ठीक है, जब तक रेस करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए फिगर बन गया, यहाँ पे देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण ये हो गया आपका समतल दर्पण M1 और M' क्या है, समतल दर्पण इधर से आया लाइट, ठीक है, और लौट गया और इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, एक है OM और MI, ठीक, ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, साइन आई बराबर, ये आई बराबर हो जाएगा आपको R हो जाएगा, ठीक है। तो रियल इमेज यानी कि क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होगा, लेकिन इसपे वर्चुअल में क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है यानी कि वस्तु की अपेक्षा, और इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, किसका, वर्चुअल इमेज का। तो एक बार ये गौर से देख लीजिए, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्सन, इरेज करके हमने फिर लेटरल इन्वर्सन के बारे में पढ़ना है, न्यू टॉपिक है आपको, लेटरल इन्वर्सन यानी कि पार्श्व परिवर्तन। तो होता क्या है पार्श्व परिवर्तन, इसको अभी समझते हैं, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, कहने का मतलब ये है, इसका डिफिनेशन बताते हैं सीधा, जब कोई वस्तु या कोई आदमी मिरर के सामने खड़ा होता है, हम देखे हैं गौर से कभी, देखिए आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा, सबने देखा, जब हम आईना के सामने खड़े होते हैं, जब हम आईना के सामने दर्पण के प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उठाते हैं दाहिना हाथ ऐसे, ऐसे उठाते हैं, ठीक है, तो लगता क्या है हमें, हमने सॉरी उठाते हैं लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट है, सॉरी मैं राइट कह दिया, उठाते हैं लेफ्ट हाथ तो लगता है वो मिरर में क्या लगता है, राइट दिखता है, क्या दिखता है, राइट। जब हम बायां हाथ को उठाते हैं तो लगता है दाहिना हाथ, और दाहिना हाथ को उठाते हैं तो क्या लगता है, बायां हाथ, यानी कि कुछ अपोजिट लगता है, अजीब सा लगता है, मतलब चेंजिंग लगता है, एकदम चेंजिंग होगा, क्योंकि अब कोई वस्तु ले लेते हैं, समझ लीजिए के ले लेते हैं, ठीक है, के कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, आईना के सामने हमने देख रहे हैं इसको लेकर के कर रहे हैं, तो ये सीधा के है, मिरर में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, वो उल्टा दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, यानी कि जब हम दर्पण के सामने अपने दाहिना हाथ को उठाते हैं तो लगता है बायां हाथ, बायां हाथ को उठाते हैं तो लगता है क्या है, दायां हाथ, यानी कि उल्टा दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। जैसे एक और देखिए एग्जाम्पल, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, पी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये आईना हो गया, ये क्या हो गया, एक दर्पण हो गया, तो पी को ले जाएंगे तो पी आईना में कैसे दिखेगा, ये उल्टा पी दिखेगा, क्या दिखेगा, उल्टा पी दिखेगा। आप कभी ध्यान दिए एम्बुलेंस जो लिखा होता है उल्टा क्यों लिखा होता है, गौर से देखिएगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, एम्बुलेंस में क्या लिखा हुआ रहता है, उल्टा, किसके लिए लिखा होता है, ड्राइवर को देखने के लिए उल्टा लिखा हुआ रहता है, अगर सीधा लिखता वो तो ड्राइवर को उल्टा दिखता, जैसे कहने का मतलब पीछे एम्बुलेंस है, ठीक है, पीछे एम्बुलेंस है और आगे कोई फोर व्हीलर्स गाड़ी है, ठीक है, फोर व्हीलर गाड़ी है, तो उसने हॉर्न बजाया तो ये अपने साइड मिरर में देख रहा है, तो अगर जो वो सीधा लिखा रहता एम्बुलेंस, सीधा लिखा है स्पेलिंग में, सीधा लिखा रहता तो उसको उल्टा दिखता, तो समझ नहीं पाता कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं, साइड नहीं देगा वो, ठीक है, इसलिए उल्टा लिखा रहता है ताकि वो साइड मिरर में देखे तो उसको सीधा दिखे, उसमें क्या दिखे, सीधा दिखे, इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है
लेकिन जैसे अपने मिरर में देखता है, साइड मिरर में देखता है ऐसे, तो सीधा उसको दिखेगा कि भाई एम्बुलेंस लिखा हुआ है, जल्दी से साइड करो, जल्दी से साइड करो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसका अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग साइड तक नहीं देते हैं। मरीज बेचारे अभी कोविड में एम्बुलेंस का लाइन लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उस सिचुएशन में इंसान को साइड देना चाहिए। इसमें कोविड में एक मिनट का माने रखता है, एक मिनट ऑक्सीजन छूट गया, नहीं मिला, चाहे वक्त पे अस्पताल नहीं गए, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर सकता है। ठीक है, तो कोई आपसे हमें गुजारिश है, रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, जहाँ भी जाए रास्ते में देखें एम्बुलेंस को तो उसको साइड दे दें। कहीं फंसी हो तो अपनी गाड़ी को साइड में लगा करके उसको साइड दिला दें, ताकि आपकी वजह से कोई इमरजेंसी केस हो तो जल्दी से उसको साइड कर दे, ताकि वो वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे मतलब इसका अपोजिट ही होता है, उल्टा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इंसानियत को भी कायम रखना है इसमें, ठीक है, तो सब कुछ देख करके चलना है। तो ये समझ में आ गया आपको, लेटरल इन्वर्सन पार्श्व परिवर्तन उसे कहते हैं जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ये लेफ्ट हाथ उठाते हैं, यानी कि लेफ्ट हाथ उठाते हैं, बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है दाहिना हाथ उठा है, और दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है क्या, बायां उठा है, यानी कि राइट। लेफ्ट को उठाते हैं तो लगता है क्या, ये लेफ्ट है, ये देख लीजिए, ये लेफ्ट को उठाया तो लगेगा कि राइट उठाया, राइट को उठाया तो लगेगा कि लेफ्ट है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इसका डेफिनेशन एकदम आसान तरीका में ये देख लीजिए, फिगर से ये मिरर के सामने रखा, ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई आदमी है, तो मिरर में देखेगा तो थोड़ा उसको अपोजिट दिखेगा। पी को किया तो पी क्या दिखा, मिरर में अपोजिट दिखा। चलिए फिर इरेज करते हैं, पॉज करते हैं जब तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, बोलिए दर्पण क्या होता है। बहुत गर्मी है भाई आज, बहुत गर्मी है, क्या बताएं, बहुत गर्मी है, हालत से खराब हो गया है। चलिए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आते हैं मिरर के बारे में, मिरर क्या है, यानी कि दर्पण क्या है। इसका हमने फिगर बना दिया इरेज करके, ठीक है, पॉज किया था मैंने। ये मिरर दो प्रकार के होते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब कोई कांच, ठीक है, कांच को बाहरी साइड से, यानी कि बाहरी साइड से, बाहरी सतह पर कलई किया गया हो, क्या किया गया हो, पेंटिंग किया गया हो, रजिस्ट किया गया हो, उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। उसको क्या बोलते हैं हम, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया, ये उत्तल दर्पण का अब फिगर देखिए। बस फिगर से ही पता चलेगा, कोई कांच पर बाहर से रजित किया गया, रजित किया गया हो, पेंटिंग किया गया हो, कले किया गया हो, उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर उसे कहते हैं जो बाहर से कलई, सॉरी ये तो कॉनकेव मिरर बाहर से कलई किया गया हो, कन्वेक्स मिरर क्या, उत्तल दर्पण जो अंदर से कलई किया गया हो, इसकी कांच को अंदर से कलई किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इससे आपका हो गया, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आगे पढ़ाएंगे मिरर फॉर्मूला, इसको न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाना है। तो ये क्या हुआ, इसका फिगर अवतल दर्पण का ऐसे फिगर होगा, उत्तल दर्पण का ये बाहर से कलई किया गया है, ये अंदर से कलई यानी कि रजिस्ट किया गया है। इतना समझ में आया आपको। चलिए, इतना गर्मी है ना आज, एकदम पूरा मैं भीगा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या बताया जाए। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है आगे बढ़ते हैं। आज मैंने फिजिक्स का तीसरा एपिसोड बनाया है, आगे आपको मैं केमिस्ट्री का बनाऊंगा। देखिए आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 से above class के 5, 6, 7, 8 और 9, मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए भी वीडियो बनाऊं, इनके लिए भी वीडियो बनाऊं। ये तो आप लोग का 10th का हो गया यानी कि फिजिक्स है, उसमें मैं सोच रहा हूँ एक एपिसोड बनाऊं उनके लिए। आगे भी बनाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ आप अपने घर के बच्चों को भी जोड़िए इससे, वो भी पढ़े, तो उनके लिए वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है तो उनके ये मैथ पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज साइंस से भी रिलेटेड और जीके वगैरह शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज फिजिक्स इतना ही रहने देते हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं आपको। ठीक है चलिए एक्स्ट्रा बताते हैं, एक्स्ट्रा भी जरूरी है। आज पढ़ाते हैं आपको, चलिए आज कुछ नया चीज पढ़ते हैं। ठीक है जो हमने नहीं पढ़ा या फिर स्कूल में नहीं पढ़ा या फिर हमें मालूम ही नहीं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर GRAMMAR ग्रामर होता क्या है, कोई बता सकता है? बताइए भाई, हम सुन रहे हैं, बताइए, आप टेंशन मत लीजिए, हम सुन रहे हैं, बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत गर्मी है। ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है आखिर, कभी ध्यान दिए कभी, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं, ग्रामर है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका उस टाइप्स को मतलब उसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ये कभी तो ध्यान नहीं दिए होंगे शायद, लेकिन चलिए जो ध्यान दिए होंगे बहुत अच्छी बात है। इसका डिफिनेशन लिखते हैं ग्रामर का, द रूल्स और डिसिप्लिन, the rules or discipline and any language are called grammar। क्या बोलते हैं इसको, कहने का मतलब the rules or discipline and any language are called grammar, कहने का मतलब कोई भी नियम या discipline या कोई भी भाषा को हम क्या क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। रूल्स में जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं पूरे तरीके के साथ पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, तरीके में रह रहे हैं, कोई भाषा बोल रहे हैं, ये सब किस में आता है, ग्रामर में आता है। जैसे इजी हिंदी सही से बोलना सीखना उसके बारे में, या फिर उस रूल पे चलना अरेबिक, उर्दू इसका प्रोनाउंसिएशन सही से करके पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, एक्सेट्रा ईटीसी। तो ये तरीके पर जो फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। द रूल्स और डिसिप्लिन एंड एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर। इसके 7 प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है प्रोसोडी,
पांचवा है पंक्चुएशन। समझ में देखिए क्वेश्चन, तो द इसका कितना टाइप्स होंगे, सात सॉरी पांच। तो रूल्स और डिसिप्लिन इन एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर, जैसे हिंदी अरबिक उर्दू इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर। इसके पांच प्रकार होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी इटिमोलॉजी सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। चार नंबर पर आना चाहिए इसको, पंक्चुएशन को पांच, ये था प्रोसोडी था, चलिए कोई बात नहीं, प्रोसोडी पंक्चुएशन। तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। आप ग्रामर बुक पढ़ रहे हैं, ग्रामर बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ग्रामर को ही नहीं जाने तो ये सही नहीं है, उसके टाइप्स को ही नहीं जाने तो ये भी सही नहीं है। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसके बारे में जान के फिर आगे कभी पढ़ाएंगे इसको, तो ये एडवांस नॉलेज में आप रख लीजिए, एडवांस नॉलेज में, ठीक है। तो मैं बोला था ये एक्सरसाइज के साथ साथ भी आपको एडवांस नॉलेज भी हम देंगे, तो ये रहा आपका एडवांस नॉलेज। आज का इतना गर्मी है ना, पढ़ाने का दिल ही नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आपको आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आप बताएंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, नहीं तो तब उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। पढ़ने का एक मतलब तरीका बनाइए, या फिर समझने का एक तरीका बनाइए, पढ़ने का एक रूल बनाइए अपना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मेहनत भी सवारत हुए, हमें उम्मीद है आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि कमी चल रहा है, आपका जो डोज मिल रहा है कमी चल रहा है, आगे चल कर आपको और डोज मिलेगा, ज्यादा वीडियो बनाएंगे हम डेली, अभी लगातार तीन दिन से तीन मिला आपको, ठीक है, तीन एपिसोड मिला, आगे भी मिलते रहेगा। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन अभी शुरू कर रहे हैं, अभी ये कुछ नहीं है, आगे आपको एक से एक नॉलेज मिलेगा, चैप्टर बहुत सारा पड़ा हुआ है, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो बेसिक तौर पे ही चलेगा, आगे इससे भी बेहतर मिलेगा और भी समझ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करके हम चलेंगे, आप बस इस चैनल को आगे बढ़ाते रहे, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो करके और अच्छे से बेहतर करके पढ़ाएं, ठीक है। उम्मीद है हमें इस चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इससे ज्वाइन होने के लिए, आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं, ठीक है, उसको बोलिए ज्वाइन होने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको फाइव से ही, समझ लीजिए सिक्स का जो फाइव क्लास में, सिक्स का भी पढ़ सकता है, लेकिन बेसिकली सिक्स से नाइन तक फाइव भी पढ़ सकता है उसमें। एक ये वाला यानी कि आज हो गया, तो अगला एपिसोड उनके लिए आएगा, फिर से आपको नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि इसके बाद से जो बच्चों के एपिसोड के बाद से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, मतलब एक अच्छे लैंग्वेज से, एक अच्छे ट्रिक से आपको समझाया जाएगा, मैथ भी समझाया जाएगा, बेसिक तौर पे आपको पहले मैथ इसको बताएंगे आपको कि कैसे मैथ बनाया जाता है, कैसे मतलब उसका बेसिक क्या है, कैसे है, किस ट्रिक पे मैथ को बनाया जाता है, उसको भी बताएंगे। आगे वाला जो है आप भी देख सकते हैं, जो फाइव से आपको नाइन तक जो बताएंगे आप भी देख सकते हैं उसको, आप भी देखिए, देख नहीं सकते, देखिए उसको किस ट्रिक से इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आपको समझ लीजिए कि सिक्स सेवन एट नाइन सही से पढ़ लिए, टेंथ एकदम आसान है, उस रूल पे चले तो आसान है, नहीं चलेंगे तो आसान नहीं है। जैसे अलजेब्रा, अलजेब्रा में ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा, ये ट्रिगो में और बहुत सारा है, ये है मतलब उस पे आपको बनाना है क्वेश्चंस। जब एट ही सही नहीं रहेगा, नाइन सही नहीं रहेगा, तो टेंथ कैसे होगा,
तो उसको हम बताएंगे आपको मैथ में, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम। चलिए ओके, थैंक यू, स्टडी ट्यून।